हेलो गाइस, मैं हूँ डेड शॉट गेमिंग से डेड शॉट, और मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉटगन से किस तरह से हेडशॉट मार सकते हो, खासकर कि M8087 से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। मेरा ये चैनल जो है बिल्कुल नया है, मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास ना माइक है ना अच्छा डिवाइस है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए अपने फ्रेंड से डिवाइस मांग के गेम प्ले रिकॉर्ड करके अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिग जैक मोमेंट। अब ये मत बोलना कि तुम लोगों ने जिग जैक मोमेंट के बारे में कभी सुना ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, बड़े बड़े स्टार प्लेयर है, वो सभी जिग जैक मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनका मोमेंट जो है रुके ना और उन्हें हेडशॉट भी ना पड़े और एनिमी जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि बंदा किधर जा रहा किधर से आ रहा है। इसलिए जिग जैक मोमेंट करना ज़रूरी है। और आप बोलेंगे जिग जैक मोमेंट कैसे करते हैं, तो जिग जैक मोमेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप अपनी स्क्रीन को लेफ्ट राइट करते रहो, टच करते रहो, इस तरह आपका मोमेंट रुकेगा भी नहीं और आपको जो है ओपी हेडशॉट मारने का चांस मिलेगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल जरूर करना। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है क्विक स्विच बटन का जो लड़ीना फ्री फायर ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल करो भाई। पहले ये बटन नहीं था, लेकिन जब से आया तब से इस्तेमाल करना इसका नेसेसरी हो चुका है, और आपको फास्ट हेडशॉट मारना है तो आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे जेक एफ एफ एम ए टेन और सारे बहुत सारे वाइट एफ एफ ये सब जो भी है, ये सभी के सभी क्विक वेपन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तब देखो आपका हेडशॉट किस लेवल का लगेगा। आपका गन वेपन चेंज जितना फास्ट होगा उतना आपका हेडशॉट भी लगेगा, उस तरह आपका मोमेंट भी फास्ट होगा। इसे ट्राई करो भाई, ये सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ट्राई करो। अब बात करते तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट को आप पॉइंट मत बोलो, उसे आप एक ट्रिक मानो। ये ट्रिक बिल्कुल ऑसम है। इस ट्रिक से मदद से आप जो है एकदम आपका जो मोमेंट स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है क्विक स्विच वेपन पर क्लिक करो, फायर करो, फिर रन करो, फिर क्विक स्विच वेपन पर टैप करो। इस तरह आप करोगे तो आपका मोमेंट जो है अटकेगा नहीं और आपका मोमेंट बहुत फास्ट होगा। आप ट्राई करने के लिए आप ट्रेनिंग मोड में जाओ और आप ट्राई करो, अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़े तो आप मोमेंट बहुत जरूर बताओ, आप एक बार ट्राई करके देख लो। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट, जो कि है बेस्ट गन स्किन। तो बेस्ट गन स्किन कौन सी है, इस बारे में सबका ओपिनियन अलग है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट गन स्किन इंटरलैंड वाली है, जो 2020 की डबल रेंज है, बहुत मस्त है भाई। मेरे हिसाब से वो गन वन के पहले एक वन नंबर वन पोजीशन हासिल करता है। अगर आप लोगों ने वो गन चलाया है तो आप लोगों को पता होगा कैसा गन है वो। वन टैप उसमें लगता है बहुत ओपी मोमेंट के साथ, वन टैप लगता है आपका। वन टैप इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताऊँ मैं, आप लोग ट्राई करके देखना। अगर आपके पास विंटरलैंड की गन की स्किन है तो आप लोगों को पता होगा कैसा गन का स्किन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो कि मेरा वीडियो आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो क्यों पसंद आ रहा है।
जो मैं जो ट्रिक आपको बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या वो वर्क करता है कि नहीं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ यार। अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा यार। मेरा नया चैनल है, मेरे को मैं एक्सपीरियंस नहीं उतना, फिर भी मैं यूट्यूब पे आया हूँ, एक्सपीरियंस कमाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करो यार, कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट, प्लीज़ भाई कमेंट करो। अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है ना? इसलिए तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।